अमित जी से क्या सीखा लॉयर बन के? यार सीखा बस इतना कि इम्पैक्ट हो तो ऐसा ये सीखा, ये दिमाग में रखा था कि यार उनको कॉपी तो करने की मेरी मैं हिम्मत नहीं करूंगी, तो इतना कोशिश करूंगी इम्पैक्ट उनके आसपास का हो जाए तो भाई हम बहुत सक्सेसफुल है, वही कोशिश करेंगे. Who I've interviewed from Rati to Pranam to all of them, मैंने उनसे जब पूछा कि एक वर्ड में आप ऋषि जी को डिस्क्राइब कीजिए, and it's so uncanny. Each of them uses these two words, lovable, bully. That is true. Actually, this is true. But I call him hot-blooded Punjabi man. I call him daddy, literally that. I know. Yeah. Because your campaign has been pretty upfront, and that's what I loved about it. The fact that it didn't mince any words. आप एक जरिया है जहाँ पर आप अपने दिल खोल कर बात कर सकते हो. ऑल द हेट, एवरीथिंग इज कमिंग आउट फ्रॉम ऑल साइड्स. सो डू यू फील दिस फिल्म इन सम वेज इज गोना बी लाइक अ कैथार्सिस फॉर दैट? I hope so. I truly, truly hope so. I really hope so. But it will definitely resonate with everybody in our country. It will. There's no question about it. And it's a film about us, about our people, and about our surroundings, about the heartbreak, about the people being unfair. You know, it's about all of that. And you have a very dark character. I'm sure it would be resonating with a lot of. You've experienced a lot of darkness in your life, through your life, and now you must have found this film a very interesting way of, you know, putting it all into that. Sure, I didn't think of it in the beginning, but then it just kind of organically happened, if I may say. And yes, very, very, very close to my heart, this character and this film, and he died. Yeah. Very cake cutting. Yeah. अभी हम लोगों ने मिला है ना, फोटोग्राफर को मिला है. हाँ नहीं, वीडियो को नहीं मिला. सर आए और यकीनन आप मानती है अब तक जो खबर दिल्ली से आ रही है. साइलेंस प्लीज, वी आर डूइंग एन इंटरव्यू हियर प्लीज. अमूमन राजनीतिक खबरें आती हैं, लेकिन बॉलीवुड को लेकर आपकी फिल्म को लेकर जो खबरें आ रही हैं बहुत पॉजिटिव नोट पे हैं, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं. इनफैक्ट लोग ये कह रहे हैं कि हर हिंदुस्तानी को एक फिल्म, ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए. Do you think half the battle is won? लोगों ने यू नो पसंद करना चालू कर दिया है, क्रिटिक पसंद करना. लोग सर क्या कहेंगे आप, पक्का से क्या कहेंगे? यही तो हम कह रहे थे ना शुरू से, ये हर हिंदुस्तानी के लिए है पिक्चर. पता नहीं क्यों लोग हमारे को बोल रहे थे कि एक प्रो और एंटी अ सेक्शन, अ प्रो अ सेक्शन. हम शुरू से कह रहे थे ये इंडियंस के लिए पिक्चर है और सब हिंदुस्तानी इसको पसंद करेंगे. फाइनली एटलीस्ट हमारे मुंह से नहीं तो एटलीस्ट क्रिटिक्स और बाकी जर्नलिस्ट के मुंह से सुनने को मिला, तो अब तो विश्वास कर ले आई होप लोग हमारी बात पे. और हाँ, मेरे को तो बर्थडे गिफ्ट मिल गया मेरा कल, तो मैं तो और क्या रिस्पॉन्स था, क्योंकि दिल्ली में कल स्क्रीनिंग हुई है मीडिया के लिए, वहाँ आप पत्रकारों से मिले होंगे, उनका क्या? नहीं, मैं पत्रकारों से नहीं मिला जी. उसके पहले कुछ गेस्ट की स्क्रीनिंग थी, उसमें मिला लोगों से, सबको बहुत अच्छी लगी है. तो उस वक्त जब लोग तारीफ कर रहे होते हैं उसे स्टार नहीं बोल रहे होते हैं, पर जब मैं दिल्ली से 10:30 की फ्लाइट लेके रात को करीब 12:30-1 बजे लैंड हुआ इधर, तो सागर मेरे पीछे खड़ा था, सागर मेरा ईपी है, तो उसने बोला सर रिव्यूज़ तो बहुत कमाल हैं. उसके फ़ोन पे मेरी बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो फिर उसने मुझे एक एक करके रिव्यूज़ दिखाने शुरू किए, 5 स्टार 4 स्टार 4.5 स्टार. तो हमको पता चला कि क्योंकि उस वक्त बॉम्बे का भी प्रेस शो ख़त्म हो चुका था और दिल्ली का भी ख़त्म हो चुका था, तो रिव्यूज़ बहुत अच्छे आए. लोगों के बीच में जो बातचीत सुन रहा हूँ वो बहुत अच्छी है. अब लोग थिएटर तक जाएं और लोगों को इस फिल्म पसंद आए और लोग दूसरों को बोलें जाके देखने को, जैसे आपने कहा कि सब हिंदुस्तानी को देखना चाहिए, तो हम शोर मचाते रहेंगे लगातार जब तक आप लोग थिएटर में नहीं जाते. यस, सारी फिल्में भूल जाओ, मुल्क देखिए. You are pointing at Panne Khan.
बिल्कुल नहीं, सारी दुनिया के सारे फिल्में भूल जाओ, हॉलीवुड की भी भूल जाओ, हॉलीवुड के सारे जितने पिक्चरें आ रहे हैं भूल जाओ, जाके मुल्क देखिए. नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, एज यू कैन सी द रिस्पॉन्सेज आर सो पॉजिटिव, वी आर गेटिंग सच ग्रेट रिव्यूज, इतने अच्छे रिव्यूज मिले, 5-5 स्टार्स मिल रहे हैं, बड़े बड़े क्रिटिक्स से 5-5 स्टार्स मिल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए. इफ़ आई कैन नेम वन, मिस्टर सुभाष के झा हैज सेड दिस इज़ अ मस्ट वॉच फॉर एवरी इंडियन, हर एक हिंदुस्तानी को ये फिल्म देखनी ही चाहिए, ये रेजोनेट होगी सबके साथ. ये कहानी हमारे बारे में है, फिल्म रादर ये हमारे बारे में, हमारे लोगों के बारे में, हमारे हालातों के बारे में है. और बिल्कुल मैं ये आई एब्सोल्युटली थिंक एवरीबॉडी नीड्स टू वॉच दिस फिल्म. Okay. Every Indian needs to watch this film. Yes. Pratik Singh's yes. character was a very dark and it was a challenging kind of stuff. So, aisa hua tha ki shooting ke baad bhi kahi baar aap you were in your character and someone needed yeah, you know, to bring you back. That's somebody has. Mujhe na ye question pucha gaya hai aur it's a bahut hi interesting thought hai. Maine kabhi ye socha nahi aur main you know I honestly I'm not the best person to judge this. Aur main filmon se film jump ho raha hu. Main set mein. मैं कूद रहा हूँ लिटरली, तो मैं मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या, मुझे मैं वो मैं एक्चुअली उस कैरेक्टर में हूँ, मैं कहीं दूसरे कैरेक्टर में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. मुझे जब मैं घर जाता हूँ मुझे बस सोना होता है, बस ये मुझे समझ आता है, बहुत काम कर लिया सोना है. People love bad boy. Why? Sure. Yes. Why not a good actor? One of the. Indeed, for that. But still. Just yes. Are you open up for such great character? Sure. Absolutely. I don't want to be. I mean, that's what. If you want to call me a bad boy, why not call me one? I'd gracefully accept it and embrace it. But yes, I would love to play great characters. Yes, it should just kind of. It should move me. You know, it should move me, and I think I should. Resonate with the character, absolutely. Why not? Grey. Okay, Anubhav, आपसे और तापसी से जानना चाहूँगा, क्योंकि फिल्म बहुत sensitive मुद्दे पे है, बहुत sensitive चीज मुद्दे को उठाती है, क्या आपको नहीं लगता जिस तरह की फिल्म है, जिस तरह के पैगाम देने की कोशिश आपने की, जहाँ भाईचारे की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, फिल्म को टैक्स फ्री होना चाहिए, do you want the film to be tax free? बहुत अच्छी बात है अगर टैक्स फ्री हो जाए तो. मुझे एक्चुअली किसी क्रिटिक ने बोला कि मैं अपने रिव्यू में लिखने वाला हूँ, लिखा है शायद, लिख दिया है कि हाँ कहीं तो मुझे ऐसे, मैं इतने सारे फ़ोन्स पे रहा हूँ कल से लेके आज तक ना कि मैं सब सारे फ़ोन घुस गए हैं दूसरे के अंदर. तो कहा कि टैक्स, मेरे तब तक दिमाग मेरे थॉट नहीं आया था, बट टैक्स हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हार्मनी की बात करती है, क्योंकि भाईचारे की बात करती है. तो अब इसका फैसला कौन करता है मुझे मालूम नहीं है, तो जो भी करते हैं मैं उनसे आपकी बात उन तक पहुँचाता हूँ विद माई एंडोर्समेंट कि इसको टैक्स फ्री कर दिया जाए. बट हम भी यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, सिर्फ बॉक्स ऑफिस ऑब्वियसली इट्स अ बिजनेस, इट विल हेल्प ऑल द इंडस्ट्री, बट मोर देन दैट इट विल हेल्प यू एंड मी फॉर लॉन्गर रन इन लाइफ. आई थिंक बॉलीवुड हमेशा सॉफ्ट टारगेट रहते हैं, कोई धर्मगुरु उठ के चले आते हैं, कोई पार्टी उठ के चली आती है पॉलिटिकल की, भाई आप ये करिए और ये ना करिए, जिसको नाम कमाना होता है वो बॉलीवुड को गाली बकने लगता है, वो तो है, उस पर कोई डिस्कशन नहीं है. जिसको नाम कमाना है, जिसको ऐसा टीवी पे इंटरव्यू देना है, वो आ जाते हैं, वो चल भी रहा था, पर मैं उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम था मैंने क्या फिल्म बनाई है. मैंने किसी के खिलाफत में फिल्म नहीं बनाई, मैं तो सिर्फ प्यार की फिल्म बनाई है. तो बीच बीच में मजाक में मैं कहता भी हूँ कि मुल्क इज़ अ लव स्टोरी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स. बट अनुभव सर, आपसे एक सवाल है, डोंट यू थिंक इट्स फिल्म का स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, जहाँ पे वो अपनी कहानी पेज विद फ्रीडम सुना सके, बता सके, क्योंकि जब भी कुछ होता है लाइक उनके उनके अगर क्वेश्चन को ऐड करें विवाद सबसे पहले खड़े हो जाते हैं. सो व्हाट्स इट, डू यू थिंक दैट फिल्म का स्टिल ना, हां विवाद, विवाद मतलब बातचीत, एज लॉन्ग एज अच्छी बातचीत हो तो वो अच्छा है ना. इस किस्म के मुद्दे पर बातचीत नहीं करते हम लोग, हमने धारणाएं बना ली हैं, हमारे पूर्वाग्रह है,
ہمارے پریجڈیسز ہیں اور وہ بہت پرانے ہیں, ویل سیمنٹڈ ان سائڈ آر ڈی این اے. تو اگر ہم بات چیت شروع کریں گے تو پھر وہ سیمنٹ ہلے گا, تھوڑا سا ہلے گا ہی, مطلب کوئی چانس نہیں ہے کہ نہ ہلے. آئی ہوپ سو, آئی ریئلی ہوپ سو, ریئلی ہوپ سو. عرفان خان کی کارواں اور فنے خان انیل کپور سر کی ریلیز ہو رہی ہے, تو ایک انوانٹیڈ طرح کا کمپٹیشن ہو رہا ہے, تو اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ کیا سننا چاہتے ہو تم؟ ویسے مجھے ایسا لگ رہا ہے تمہارے سوال میں کچھ بات ہے, تم کو کچھ چاہیے. کیا چاہیے بولو, کس کو کس کی گالی دینی, کس کی برائی کرنی ہے؟ ارے یار, ہزار فلمیں بنتی ہیں سال میں, ہر ہفتے دو دو تین تین فلمیں آئیں گی. ہم لوگ دوست ہیں, عرفان دوست ہیں, انل دوست ہیں, ان کی پکچر آ رہی ہے, ان کو شبھ کامنائیں. تین لوگ ساتھ میں پکچر آ سکتی, اس کو لے کے کیا کنٹروورسی ڈھونڈ رہا ہے؟ اوکے انمول سر, میرا آخری سوال آپ سے, جو سنیما آپ نے اس سے پہلے کیا, یہ بالکل مختلف, بالکل الگ کیا جو سنیما آپ کرتے ہیں, ستیہ وچن. ستیہ وچن, آئی ایگری ود دس, ایون یو ایگری ود دس. پکچر بنا رہا تھا, امیج تھوڑی بنا رہا تھا. وہ کہانی اچھی لگی, وہ بات کہنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو بنا دی. اور وہ کہانی اس طریقے سے بننی تھی, دس اس طریقے سے بننی تھی, راون اس طریقے سے بننی تھی. ہر فلم کی, ہر کہانی کی کا اپنا پریدھان ہوتا ہے, اس کے اپنے کپڑے ہوتے ہیں. اس کہانی کے یہ کپڑے ہیں. Thank you. Please film dekhiyega. Sab kuch.